भाई कैमरा मिल जाते हैं ना, फोटो खींचने के लिए तैयार रहते हैं। 85 और स्पीड कितनी है, यही हाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का भी है। भाई ये क्या ले जा रहा है, ये क्या आइटम है? जैगुआर देख लो भाई, शादी के मंडप से आ रही सीधा। और चेक करेंगे कि ये कैसा है, फिर इसको हेलमेट में लगाऊंगा। ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी में और बज रहे हैं 12:15। अभी हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हैं। मैडम का एक काम था, मैंने कहा चलो, ट्रिप की तो क्रेविंग होती रहती है, ड्राइव करने को मिलता तो मज़ा आता है, कोहरे में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। बीच में जैसे जानते हो ना, दिल्ली में जाम तो बहुत रहता है, तो सब जाम क्रॉस करके मैंने कहा इत्मीनान से जब हाईवे पर आ जाएंगे तब ब्लॉग शुरू करेंगे। बाहर देखोगे तो फॉग अच्छा खासा हो रखा है, विजिबिलिटी ठीक है लगभग, गाड़ी में तो 12 डिग्री दिखा रहा है, तो मतलब भाई 11-12 डिग्री के आसपास होगा, पर फॉग पूरा मस्त है। ये देखोगे तो दोनों तरफ मतलब गाड़ी तो बहुत गंदी हो रखी है, धुलाने का टाइम नहीं मिला, और अभी गाड़ी बाहर खड़ी रहती ना तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मिट्टी विट्टी वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए ना, पेड़ है तो गिरते ही रहता कुछ ना कुछ। बाकी बाहर देख लो तो दोनों तरफ भयानक फॉग हो रखी है, सड़क पे तो कम है क्योंकि गाड़ियाँ निकलती ना तो इधर उधर बढ़ जाती है, बाकी अगल बगल खेतों में तो बहुत है भाई। वैसे भी खेतों में तो रुका हुआ फॉग रहता है, सड़क पे क्या रहता है, गाड़ी वाड़ी निकलती रहती है, हवा हवा से इधर उधर होता रहता है। तो देख लो अभी 12 डिग्री दिखा रहा है और भाई गाड़ी भी खराब हो गई। इस मौसम में ऐसा अगर गाड़ी वाड़ी खराब होती ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। करीब हम लोग निकले थे 10:15 के आसपास निकले थे, मतलब 12 बजे पहुंचने का विचार था, लेकिन जाम बहुत मिल गया था, देखा चलो कोई बात नहीं, 12 पुला रोड पर तो बहुत जाम था। खेतों में भाई गन्ने लगे हुए, गन्ने बो दिए गए, गन्ने अभी लगाए गए पता नहीं क्या, अभी कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल से ये ठंड रहेगी तो गेहूं की फसल को बड़ा फायदा होता है, अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो वो भी नुकसान है, ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो आदमी चल रहा है भैया बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। दिल्ली में तो कोहरा नहीं था, दिल्ली में तो मेरे ख्याल से साफ मौसम था, धूप नहीं निकली थी, लेकिन हाँ कोहरा भी नहीं था। बाहर निकलते भाई खुला आसमान नीचे तले और देख लो फिर यहाँ पे कोहरा मिले। कैमरा मिल जाते हैं ना, फोटो खींचने के लिए तैयार रहते हैं। 85 और स्पीड कितनी है, 85 ही है तो फिर बढ़ा लेते हैं, जहाँ कैमरा आया तो वहाँ स्लो कर लेता हूँ, पर आप लोगों को स्लो ही स्लो चलाना चाहिए, जनहित में जारी। एक्सप्रेस वे पे जितनी बार भी आ जाओ मज़ा ही आता है, पता तो जा रहे हैं मतलब कोहरा है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि लोग धीरे धीरे चलते हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, ये तो खाली रहता है मतलब मूवमेंट बनी रहती है। एक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दोनों एक कमाल लगे हैं, एक्सप्रेस वे पे चलने का अलग मज़ा है, सामने से क्रूज कंट्रोल लगाओ भाई, टांग आराम से रखो और चलते रहो, बस हाँ बार बार ये है कि सामने कोई ना कोई धीरे चलाता हुआ मिल जाता है तो ब्रेक तो लगानी पड़ती है। लेन भी आदमी नहीं फॉलो करता कि 80 वाली लेन में अगर धीरे चलना है तो 80 वाली लेन में चलो, 100 वाली लेन में चलो, 40 वाला 80 में चलेगा, 80 वाला 120 में चलेगा। आज लग नहीं रहा कि धूप निकलेगी, क्या ठंडा उतना है नहीं, मैंने थोड़ी देर तो विंडो खोल के भी चलाई थी, उतना ठंडा नहीं है, बस हाँ कोहरा तो होता ही होता है, खुली एरिया में तो मिलेगा ही मिलेगा। और बताओ बंधु लोग सब बढ़िया, कहाँ कहाँ ठंड पड़ रही है यार, कमेंट ही करके बता दो साउथ वालों को छोड़ के, क्योंकि साउथ में तो ठंड पड़ती नहीं है भाई, वहाँ तो हिल स्टेशन पे भी कोहरा नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे बादल आ जाते हैं, जैसे अपना नंदील बैंगलोर में देख लो, उधर तमिलनाडु में देख लो, वहाँ पे बादल बैठ जाते हैं पहाड़ों पे, तो लगता है कि फॉग है, यहाँ नॉर्थ में तो अलग ही फॉग का रहता है, वैसे ऊंचाई पे तो बादल आ जाते तो यही लगता है अरे फॉग में आ गए। अब इसे क्या कहें, फॉग कहें या बादल कहें, कि बादल नीचे आ गए मैदान में आ गए। यार बम्पी राइड्स बड़ी होती हैं इसमें, कितना भी बढ़िया बना दें बम्प बढ़ जाते हैं, एक तो जहाँ जहाँ पुलिया या कुछ बने हुए हैं अंडरपास वहाँ पे और बम्प आते हैं, नहीं तो वैसे भी देख लो कितने बम्प हैं, यही हाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का भी है। 120 लगाई
तो बम्प में गाड़ी भगाई। अरे भाई मिलिट्री ग्रीन हुंडई एक्स्टर, मिलिट्री ग्रीन कलर अच्छा लगता है, पर सफारी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें नहीं। वो सिर्फ सफारी क्योंकि मिलिट्री के लिए भी निकाली गई थी ना शायद, तो उस वही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो काम हम निपटाते हैं और जल्दी वहाँ से लौटने का विचार है, ताकि बाकी काम भी निपट जाएं। लगभग 2 बजे तक वापसी मार लेंगे, तो 3 बजे तक या 3:30 मतलब 4 बजे से पहले पहले घर आ जाएंगे। लौटते में तो फॉग मिलेगा नहीं। लगभग 12:10 हो गए और मेरठ आ गए। अभी डेस्टिनेशन हमारा 40 मिनट दूर है, 8 point something कुछ किलोमीटर है, और फॉग यहाँ पर भी है। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ ज़्यादा खुला है वहाँ पर है, मतलब सिटी में तो पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन थोड़ी बहुत फॉग तो यहाँ पर है। सामने दूर देखोगे तो विजिबिलिटी तो है, लेकिन हाँ दूर देखोगे तो फॉग मिल रही है, ट्रैफिक भी हो गया, स्टार्ट हो गया है। फिलहाल 12 बज गए, बाउंस से बड़ा बड़ा निपटाते हैं काम, फिर रिटर्न करें। रिटर्न में कुछ देखेंगे, कुछ खाएंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे जैन से गंजी पे, कुछ पकड़ो वगड़ खाएंगे, नहीं तो पीछे एक ढाबा पड़ता है UP-15 वहाँ बैठ लेंगे। तो गाइस बज गए हैं अभी 2:15 और टेम्परेचर 18 degrees हो गया है। हम लोग काम निपटा करके वापस निकल गए हैं। जस्ट अभी मेरठ की तरफ से टॉल एंट्री की है। अभी अगल बगल तो हल्की फुल्की फॉग है, लेकिन अभी धूप अच्छी निकल आई है, मतलब बढ़िया निकल आई है। फॉग काफ़ी छट गया है, बस अगल बगल रह गया थोड़ा बहुत, धूप आते ही गायब। अभी गाड़ी रोक के खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा अंदर धूप तेज लगेगी, पर चल रहे हैं तो हवा आती है, धोती पता नहीं चल रही। अभी फिलहाल आगे वही रेशन सर्विस पर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से 4 बजे तक तो पहुँच जाएंगे अपने घर। भाई ये क्या ले जा रहा है, ये क्या आइटम है, तार है क्या, वायर टाइप कुछ पता नहीं क्या था, बड़े बड़े वायर थे, वही होंगे जो अंडरग्राउंड डालते हैं, बड़े बड़े उस टाइप के लग रहे थे। चलो भी नापते हैं आगे, रेशन सर्विस देखते हैं। आज की बुल की भूख तो लग रही है अब। वो 3:30 हो गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, और दिल्ली में भयानक जाम लगा हुआ है। और ये जैगुआर देख लो भाई, शादी के मंडप से आ रही सीधा, पंजाब की है, बढ़िया लग रही है। सेडान में बढ़िया लगती है, तो जैगुआर की एक्सयूवी भी आ गई है, लेकिन सेडान ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ खतरनाक जाम लगा हुआ है भाई, कम से कम 20-25 मिनट हो गए, रेंगते रेंगते चल रहे हैं। उम्मीद तो थी कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, लग रहा 4 ही बजे पहुंचेंगे। और पीछे भैया एम्बुलेंस तो निकलने देते हैं उसको पहले। तो भाई ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और भाई आ गए घर। भाई इतनी गर्मी लग रही थी भाई, अंदर सेटिंग हो गई पूरी, ये ना स्वेट शर्ट एकदम चिपक रहा है। अच्छा हुआ आज मैंने इनर नहीं पहना था, क्योंकि दोपहर में तो धूप निकल आई थी, विंडो बंद करके चलाओ भाई अंदर अंदर गर्मी, बीच में खोलते रहे, फिर जाम इतना बैठे बैठे उसी में गर्मी में अंदर सेटिंग हो गई। फिर एक जगह भूख लग रही थी, उन्होंने कहा वहाँ तो रुके नहीं हम रेस्टोरेंट सर्विस में मेरठ के एक्सप्रेस वे पर। हमने कहा यार चलो यार छोड़ो, घर पर होता घर देखेंगे। फिर यहाँ पे आते थे जाम लग गया, हमने कहा यार तो टाइम लग जाएगा, हमने कुछ खा लेते हैं। पास में एक डोसा शॉप है, फिर वहाँ जा करके इडली डोसा और वड़ा खाया, हल्का ही खाना था क्योंकि बाहर का अल्लम गल्लम नहीं खाना था, तो डोसा थोड़ा सा लाइट रहता तो डोसा ही खा लिया मैंने। पहले तो प्लान था कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर खाली पेट भी गैस बनती है, फिर क्रेविंग होती है, फिर आप कुछ खाओ टाइम बाय टाइम तो अच्छा भी नहीं रहता, तो हल्का फुल्का एक हल्का था डोसा ही खा लिया था, वो भी प्लेन डोसा। वहाँ से निकल सोनिया को घर जाना था, तो मैंने कहा तुम एक काम करो गाड़ी उठाओ जाओ, मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगा, इस बहाने वॉक हो जाएगी, खाया है तो थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा, बस वॉक करते करते आ गया भाई। उसमें इतनी गर्मी लगी, अभी बस जैकेट उतार ही हाथ मुँह धो जाए भाई, अभी पानी गरमाऊँगा, पानी पीऊँगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगे। हेड हो गया भाई, पैर दर्द हो जाता है यार, ये पता नहीं यार जाम में ना मेरे से ना गाड़ी चलाई नहीं होती, जाम में चक्कर में ना पैर बहुत दर्द हो जाता है यार, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उलझन हो जाती है कि क्या ही करें, पैर उठाकर फेंक भी तो नहीं सकते, लेकिन क्या ही है। चलो फिलहाल अभी पानी गर्माते हैं, हल्का वुल्का पानी पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी एकदम से पिया भी नहीं जा सकता। तो गाइस मेरे पास एक फिट स्पार्क का कैमरा है, एक्शन कैमरा है,
उसमें मैंने जो ऑडियो माइक मंगाया था वो उसका जैक जो था 3.5 था, और इनकी वेबसाइट पे था कि रिव्यू अच्छे दो और उसका स्क्रीनशॉट इनको मेल कर दो, तो ये एक 2.5 का ऑडियो माइक वर्थ रुपीज़ 1399 या 1299 समथिंग कुछ है उसका, वो आपको 200 रुपीज़ आपको बस शिपिंग चार्जेस देना होगा और वो आपको भेज देंगे। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, मैंने रिव्यू दिया, देखो मैं रिव्यू तो जनरली देता हूँ, मुझे कैमरा चला गया, ये रिव्यू देने के बाद मुझे पता चला था कि उसका जैक 3.5 mm है, वरना मैं रिव्यू में इसको मेंशन करता कि अगर कोई किसी को ना पता हो वो एटलीस्ट ये उसको पता चल जाए कि ये 3.5 mm का जैक इसमें नहीं लगते हैं, 2.5 का ही जैक लगता है। और मुझे बाद में पता चला, मैंने तो पहले इसके साथ मंगाया था वो 3.5 का था, अब उसके चक्कर मैंने कई बार अमेजन में चेक किया, उसका जो कन्वर्टर होता है ना कनेक्ट कन्वर्टर 3.5 से 2.5 ऑडियो जैक, कुछ सही दिख रहे थे कुछ सही नहीं दिख रहे थे। फिर जब मैंने इनका देखा तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इनके साइड से आ जाए, बाहर नहीं मिला, बहुत सर्च किया उल जलूल कनेक्टर मिल रहा था, मैंने कहा फालतू में आ जाएंगे काम भी नहीं करेंगे और लोकल ब्रांड बिल्कुल होगा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने इनको रिव्यू जो पोस्ट किया था उसका स्क्रीनशॉट लेके इनको ईमेल किया, इन्होंने फिर एड्रेस वगैरह मांगा, बोला कि 200 रुपीज़ पेटीएम गूगल पे कर दीजिए और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दीजिए तो वो आपको शिप कर देंगे। तो ये फाइनली आज आ गया, मैं बाहर था तो मैंने उसको कहा भाई बाहर ही रख दो मैं उठा लूँगा, तो अभी इसको खोलेंगे, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, बस मुझे ये चेक करना था कि वास्तव में आया है कि पता लगा हम कुछ भी भेज दें। खैर चलो फिलहाल ये एक हो गया, अब मुझे इधर उधर नहीं खरीदना पड़ेगा, अब आगे सीधा एक्शन कैमरा अगर लेंगे तो सीधा गोप्रो ही उठाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल उससे मेरा काम चलेगा तो फिलहाल मोटर ब्लॉगिंग इससे हो जाए करीब प्रभु को, इसी वजह से मैं मोटर ब्लॉगिंग पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। मोटर ब्लॉगिंग ऐसा सच कि मुझे प्रॉपरली मोटर ब्लॉगिंग नहीं करनी, लेकिन हाँ बाइक राइड भी करनी, क्योंकि बाइक राइड का भी अलग मजा है ना, तो हम भी वो एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोगों को कराएंगे। तो फिलहाल ये आ गया, इसको बाद में चेकआउट करते हैं, अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अभी बस पानी पिया करूँ आगे, थकान हो रही है और पैर बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर लेट लेते हैं आधा एक घंटा, जब सोनिया आ जाएगी उठेगी तो चाय पानी बना ले, या तो मैं पहले बना लूंगा या वो आ जाएगी वो बना देगी। तो गाइस फाइनली इसको अनबॉक्स कर लिया है, इसमें ये 2.5 जैक का, ये देख रहे हो 2.5 जैक का ऐसे आता है, 3.5 का तो बहुत ही बड़ा रहता है तो वो तो कैमरा लगने वाला नहीं। तो फिलहाल ये फिट स्पार्क का ही है जिसका मेरा एक्शन कैमरा है, तो फाइनली उन्होंने भेज दिया है, तो ये चीज़ अच्छी लगी कि आप अगर रिव्यू डालते हैं तो वो लोग ये चीज़ें, वैसे ये इनका अपना ओरिजिनल वही लग रहा है जो इनका एक माइक आता है फिट स्पार्क के साथ, तो ये साथ में नहीं आता, मतलब अलग से परचेस करते हैं शायद को 1399 का है, तो उन्होंने 200 रुपीज़ में मिल गया, मतलब शिपिंग कॉस्ट ही बाकी तो ये फ्री ही आया एक तरीके से। इसको भी कैमरा निकालते हैं और चेक करेंगे कि ये कैसा है, फिर इसको हेलमेट में लगाऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा हेलमेट में कैसे होगा क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो भी चेक करेंगे इसको और फिर इसको हेलमेट में माउंट करेंगे। तो फिलहाल ये आप देख लो, ये फिट स्पार्क का है, काफ़ी दिन से मैं इसके लिए सोच रहा था कि लाऊंगा, अमेज़न पे देख भी रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ना अमेज़न पे बहुत सारे कन्वर्टर मिल रहे थे 3.5 टू 2.5 पर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो एक स्लैटली कन्वर्टर होते हैं जिनमें एक तरफ मेल सॉकेट होता है एक तरफ फीमेल सॉकेट होता है, और एकदम चीप टाइप के लग रहे थे, मैंने बहुत सारे देखे लेकिन थक गया मैं देखते देखते, कुछ समझ ही नहीं आया, 3.5 का तो ऑलरेडी रखा हुआ वो उसमें लगने वाला नहीं। तो फिलहाल अब ये आ गया, तो ये है कि जब तक ये वाला एक्शन कैमरा है गोप्रो नहीं लेता तब तक ये काम चलेगा, और फिर जब गोप्रो लेंगे तो उसके साथ तो 3.5 कनेक्ट हो ही जाएगा, तो ये ऑलरेडी है ही और आगे जैसे जरूरत पड़ेगी तो लाते जाएंगे। तो फिलहाल अभी ये आ गया, तो ये एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो अब ये ऑडियो माइक है, तो अब जल्दी कुछ प्लान करते हैं और बढ़िया राइड पे चलेंगे। तो अब ये सिर्फ इसकी वजह से मैं रुका हुआ था, और मैं बाहर मार्केट में मैंने चेक नहीं किया कि 2.5 मिलता नहीं, कोई मुश्किल से आज सारी चीज़ें जो देखते हो 3.5 इनेबल आती है जैक, पता नहीं लोगों ने अभी भी पता नहीं कौन से उसमें जी रहे हैं कि 2.5 में ही अभी ये चल रहे हैं, इनको भी 3.5 का देना चाहिए भाई। तो फिलहाल का डिनर हो गया, डिनर में आज बहुत हल्का खाया है, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस आज हल्की दलिया बनवाई थी, तो टमाटर डाल के दलिया उतनी अच्छी लगती नहीं क्योंकि पेट का भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अवॉइड करनी पड़ेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह का तरंगी नहीं खाना है, कोशिश करनी है कि जितना हो सके कम से कम वो चीज़ें खाई जाएं जो शरीर को नुकसान ना दें। इसीलिए आज मैं अगर बाहर खाया भी था तो सिर्फ डोसा खा लेता, क्योंकि डोसा उतना हार्मफुल नहीं होता जितना ये बाहर के स्पाइसी सब्जियां जो आती हैं, फिर वो तंदूरी नान बटर ये सब वो सब, उनसे तो थोड़ा बेटर ही लगा। धीरे धीरे ये भी कम कर दूंगा, लेकिन कुछ ऑप्शन ना हो तो एटलीस्ट वो चीज़ है कि खा सकें, और भी मैं थोड़ा सा सर्च करूंगा कि और क्या क्या खा सकता है अगर ज़्यादा भूख लगती है, अगर बाहर हो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना बाहर, अब बाहर हो तो ऐसी क्या चीज़ देखी जाए, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मतलब कि ऐसा क्या खाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंगे गूगल आउट, और क्योंकि मैं एक तरह से डाइट नहीं बना सकता लेकिन हाँ कंट्रोल तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पेन रहता भी है, अब सोच रहा हूँ दवा ले ही लूँ ताकि वो भी थोड़ा सा असर करे, और साथ के साथ ये जो अपना डाइटिंग का एक तरीके से कह लो कि डाइटिंग का है, क्योंकि मैं अब तो उसको कंट्रोलिंग कहूँगा, लेकिन एक वर्ड ले लेते हैं डाइट की, ठीक है डाइट ही मेनटेन कर रहा हूँ।
तो चलो फिलहाल अभी अपने काम से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया है, व्लॉग का भी और अपने ऑफिस का भी, दोनों को मैनेज करना होता है। आप लोगों को मुझे क्यों बता रहे हो, मत करो, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज, तो करना तो पड़ेगा ही, तो वो सब करते हैं और उसके बाद अपना करके सो जाएंगे। सोनिया अपना टीवी देख रही थी, फिर वो अभी अपना लेट जाएगी, मैं तो अपना लेट सोता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम निपटाना पड़ता है। तो आई होप आज का व्लॉग को पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए ऊपर बेल आइकन को प्रेस कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, ठंड अभी गई नहीं है, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय, बाय बाय।